सबको जय श्री सिंह। मैं सन 2010 से परेशान था पथरी से। एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो गया था सन 2013 में, फिर पथरी बनने लग गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले तो कहा था कि आप नहीं बनेंगे, लेकिन फिर बनने लग गई और दर्द रोज दर्द हो रहा था। इंजेक्शन लगवा रहा था मैं, और मैं एक बार अपनी मौसी के यहाँ आया था तो अमन मुझे यहाँ ले आया और प्रार्थना कर पाई। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक भी गोली नहीं खाई और दवाई सब मैंने फेंक दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे अपना मान लिया है और मैंने प्रभु को अपना। मेरा नाम गोविंद है और मैं मेरठ से आया हूँ यूपी से, और मुझे 5 साल से पथरी थी दोनों गुर्दे में। और मैं डॉक्टर के पास गया, एक बार मेरा ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टर ने कही कि आज से बाद नहीं बनेगी पथरी। और फिर डॉक्टर के पास जाना हुआ मेरा, तो मैं डॉक्टर साहब से बात बताई, मैं ऐसे ऐसे पथरी हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पर हमेशा के लाग बनेगी, ये अब परहेज करो और ऐसी रहो, और अगर जो दोबारा बने तो फिर ऑपरेशन करवा लियो। डॉक्टर ने तो मैं बहुत परेशान हो गया था ऑपरेशन के बाद भी, एक दो साल बाद परेशान रहा और दर्द इतना भयंकर होता था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, गोली से तो आराम ही नहीं आता था। और मैं एक दिन अपनी मौसी के यहाँ आया था, अमन भाई का भी घर वहीं है उसके पीछे, हमारे मौसी घर के पीछे, और ये प्रार्थना कर रहे थे छत पर। और मैं अपनी मौसी से कह रहा, मौसी ये क्या कर रहे हैं? मौसी कह रही है प्रेयर कर रहे हैं। और मैं सोचने लगा कैसी प्रेयर कर रहे हैं, तो मैं अगले दिन अमन भाई से मिला शाम के टाइम। मैं अमन भाई से पूछ बैठा कि क्या कर रहे थे आप कल, तो इसने मुझे बताया सारी बात। इनके एक सिस्टर है नेहा, उसके बारे में बताया उन्होंने कैसे कैसे ठीक हुई वो, तो इसने प्रेयर करी और मुझे अगले संडे था अगले दिन, और मुझे यहीं चर्च में ले गए। और जैसे ही मैं चर्च के अंदर आया एकदम दर्द जो था वो बंद हो गया, और जैसे मैंने प्रेयर करवाई और एक ही बार में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद 2 साल हो गए और ना पथरी बनी है, और भी जैसे बुखार उखार ये वो चीज, मैंने दवाई वाई कुछ नहीं खाई डॉक्टर के पास। उनका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और बढ़ जाता हूँ।